राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में एंट्री कर ली है, चौली बॉर्डर झालावाड़ में प्रवेश किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता नेशनल फ्लैग को राजस्थान नेताओं का हेड ओवर किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हेड ओवर किया गया। मध्य प्रदेश से होती हुई ये यात्रा राजस्थान में करीब 21 दिन रहेगी, 521 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जिलों की 28 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कमलनाथ समेत अन्य नेताओं ने राजस्थान का शहरिया जनजाति के लोक नृत्य पर नृत्य किया। गहलोत, पायलट और राहुल गांधी शहरिया जनजाति समुदाय के लोक नृत्य का हिस्सा बने। सीएम गहलोत और पायलट राहुल गांधी के साथ आदिवासी नृत्य पर जमकर थिरके। यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया ने यात्रा का बहिष्कार कर रखा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के रेड से डरे हुए हैं, देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, हजारों लोग जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई, चौली बॉर्डर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ, मुख्यमंत्री गहलोत सहित मंत्रियों ने स्वागत किया। इसके बाद सभी सभा स्थल पहुँचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सबसे कठिन यात्रा की है, जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं कारवा बढ़ता जा रहा है, हर गांव हर घर में राहुल गांधी की यात्रा का मैसेज है, महंगाई सबको मार रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी रोजाना 25 किलोमीटर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने आजादी के बाद सबसे लंबी यात्रा की है, देश के वर्तमान हालातों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। मंच पर सेरिया आदिवासियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, आदिवासी कलाकारों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। इस मौके पर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश मंच, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट मंच, मंत्री अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया, गिरिजा व्यास मंच पर मौजूद रहे। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टोटल 18 दिन राजस्थान में रहेगी। 2 दिन राहुल अवकाश पर रहेंगे, 1 एंट्री वाला आज का दिन रहेगा, यानी राहुल 18 में से 15 दिन ही चलेंगे। पहले दिन राहुल गांधी 34.2 किलोमीटर चलेंगे। राजस्थान में औसतन 1 दिन का सफर ऐसे में यात्रा का 35 किलोमीटर का होगा। राहुल 11 दिसंबर को सबसे ज्यादा 49.6 किलोमीटर चलेंगे, 18 दिन में 521 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी चौली गांव में, राहुल गांधी एक किसान के खेत में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 6 बजे काली तलाई झालरा पाटन से 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा राजस्थान में 7 जिले झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर से गुजरेगी। अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।